हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं रानी अपने किचन में आप सबका स्वागत करती हूँ। चलिए आज हम लोग कलाकंद बनाए हैं। बहुत ही स्वादिष्ट, यम्मी और दानेदार हमारा कलाकंद बनेगा। बाजार का एक बार बना के खाएंगे तो बाजार का कलाकंद खाना भूल जाएंगे। देखिए इस तरह से कलाकंद दानेदार बनेगा, बिल्कुल दाने दाने अलग हैं। चलिए हम लोग आज बनाते हैं कलाकंद। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा 1 लीटर दूध है कलाकंद बनाने के लिए। गैस ऑन कर देते हैं हम लोग। पूरी अच्छी तरह से उबाल आने से चलाते रहना है। पूरी अच्छी तरह से इसको उबाल लाना है मिल्क में। इसी तरह से रेगुलर चलाते हुए लाइएगा, नहीं तो नीचे से पैन में लग जाएगा, फिर जलने का बदबू आ जाएगा, अच्छा कलाकंद हमारा नहीं बनेगा। इसीलिए चलाते हुए इसको उबाल आने तक चलाते रहना है। ये देखिए फ्रेंड्स, दूध में उबाल आ चुका है। इसको अच्छे से चलाते रहिएगा इस तरह से, ताकि नीचे में नहीं लगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको अच्छे से खोलने दीजिए दूध को जलने तक। जब आधा दूध जल जाएगा हमारा खोलते खोलते, फिर हम लोग बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा दूध उबलते उबलते इतना हो चुका है, आधा कम हो चुका है। इस स्टेप में हम लोग थोड़ा चीनी ऐड करेंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने हाफ कप चीनी लिया है। हमने इस कप से हाफ कप चीनी लिया है फ्रेंड्स। इसको अच्छी तरह से भूलने तक हमको चलाना है, अच्छी प्रकार से, जब तक हमारा चीनी भूल ना जाए अच्छी तरह से, तब तक चलाते रहना है रेगुलर। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे दूध को खोलते खोलते इतना कम हो चुका है, चीनी भी अच्छी तरह से पिघल चुका है। इस स्टेप में हम लोग छेना फाड़ के रखे थे। 2 किलो दूध का हमारा छेना है, इसको इसी में ऐड कर देंगे अच्छे से तोड़ के। दो लीटर दूध को नींबू चाहे नींबू पनीर का पानी से आप फाड़ सकते हैं, चाहे विनेगर से फाड़ सकते हैं। फाड़ के अच्छे से इसका पानी निचोड़ के निकाल दीजिएगा, पनीर के जैसा बना लीजिएगा। पनीर जैसा बना के इसे सारे को ऐड कर देना है। 1 लीटर दूध था हमारा, उसमें 2 लीटर दूध को हम लोग पनीर बनाए थे निकाल के, छेना जैसा। सभी को अच्छे तरह से इसमें ऐड कर देंगे। बहुत ही बढ़िया और स्वादिष्ट हमारा कलाकंद बनेगा। सभी को अच्छे तरह से मिला दें, इस तरह से मिक्स कर देंगे। इस स्टेप पे हम लोग इलायची कूट के रखे थे। ये देखिए, 2 से 3 इलायची लेके हमने कूट लिया था। इसको अच्छे से इस तरह से करके डाल देंगे इसमें। इससे खुशबू बहुत अच्छा आएगा, फ्लेवर भी अच्छा आएगा हमारे कलाकंद में। इसका दूध सूखने तक और 10 मिनट करीब, 2 से 3 मिनट तक इसको इसी तरह चलाते रहेंगे, ताकि हमारा ये दूध जितना भी सोख लेगा। फिर हम लोग इसको दूसरा प्रोसेसर करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, सारा हमारा पानी जो दूध था जितना भी इसमें सब सोख लिया है, बिल्कुल भी देखिए पैन छोड़ने लगा है। ये देखिए, ये हमारा जमने के लिए तैयार है बिल्कुल भी। इस तरह से पनीर फाड़ के देने से बहुत ही दानेदार निकलेगा कलाकंद बनेगा, बहुत ही दानेदार बनता है। और मुंह में खाइए तो बाजार का कलाकंद खाना भूल जाएगा, मुंह में डालते ही भूल जाएगा। ये देखिए इस तरह से बना के खाइए घर में, मार्केट का खोआ खाना भूल जाइएगा, कलाकंद घर में ही बना के तब खाइएगा। जो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि नया नया जो भी वीडियो मिले आप लोगों को देखने में अच्छा लगे। इसी तरह से बनाइए और खाइए। चलिए इसको हम लोग अब जमने के लिए देते हैं। एक प्लेट लिया है, इसको ग्रीसिंग कर दिए हैं घी से ऑयल से, जिससे भी आप ग्रीसिंग कर लीजिएगा। ये देखिए कितना दानेदार बना है कलाकंद, बहुत ही दानेदार और यम्मी लगता है खाने में। एक बार घर में बनाएंगे तो बाजार का खाना भूल जाएंगे। इस तरह से सारे को हम लोग प्लेट में डाल देंगे। ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से सारे को हम लोग इसी में डाल देंगे प्लेट में, इस तरह से सजा देंगे चारों तरफ से, हर तरफ से इस तरह से कर देंगे, अच्छा शेप में आएगा कलाकंद। बहुत ही दानेदार और स्वादिष्ट बना है, बहुत ही बढ़िया है खाने में भी, स्वाद उतना ही अच्छा है जितना देखने में। देखिए देखने से ही बिल्कुल दानेदार लग रहा है। ये थोड़ा पिस्ता है और काजू है, हम लोग इससे सजा देंगे इसको। आप जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद करते हैं उसे सजाइए।
अगर नहीं माने तो नहीं भी सजा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ा काजू पिस्ता से बजाने से बहुत ही देखने में लुक अच्छा लगता है, खाने में भी बीच में मुंह में आने से बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। इस तरह से हम लोग सारे को डाल देंगे और चमचे की मदद से इस तरह से सभी को दबा देंगे अच्छे से, ताकि सभी सेट हो जाए कलाकंद के साथ ही। ये देखिए कलाकंद तैयार हो चुका है सेट होने के लिए। इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देते हैं, नॉर्मल फ्रिज में इसी तरह से ये सेट हो जाएगा, फिर हम लोग पीस पीस में कट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स हमारा कलाकंद जम के तैयार हो चुका है, बहुत अच्छे तरह से सेट हुआ है। देखिए 2 घंटे के लिए हमने फ्रिज में रखा था, उसको चाकू की मदद से पीस पीस में कट कर लेते हैं। अच्छे से पूरा जम गया है, बहुत ही सॉफ्ट और अच्छा बना है, बहुत दानेदार है, एक एक दाना अलग हो जाएगा, ऐसा दानेदार कलाकंद बना है। इस तरह से सारे कलाकंद को हम कट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह चौकोर में हमने काट लिए है सारे कलाकंद को, इस तरह से निकालेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया कलाकंद बना है, देखिए दाने दाने कैसे दिख रहे हैं पूरे अच्छे से। इस तरह से सारे को निकाल लेते हैं हम लोग। ये देखिए फ्रेंड्स खाने के लिए कलाकंद बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल बाजार का कलाकंद फ्रेश है इसके सामने। आप घर में अपने जरूर एक बार ट्रायल करिएगा, कैसा बना है नहीं बना है बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसी तरह से बनाइए, वीडियो को देखिए और पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करिएगा। जो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा ताकि हमारा जो भी वीडियो नया अपलोड हो आप लोगों को सबसे पहले मिले। देखिए इसी तरह से देखिए और बनाइए कलाकंद को और खा के बताइएगा कैसा बना, बिल्कुल दानेदार है। इसी तरह वीडियो देखते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।